छाता स्थित नरी सेमरी देवी भवन में देवी मां की लठों से पूजा की गई। इस लठ पूजा में सबसे पहले सांखी ग्राम पंचायत के जादौन समुदाय के लोगों ने परंपरागत रूप से लाठी और डंडों से ब्रजेश्वरी देवी भगवती की लठों से पूजा कर उनसे मनौती मांगी। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी के दिन छाता तहसील मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरी सेमरी देवी भवन में देवी मां की लठों से पूजा की गई। इस लठ पूजा में सबसे पहले सांखी ग्राम पंचायत के जादौन समुदाय के लोगों ने परंपरागत रूप से लाठी और डंडों से ब्रजेश्वरी देवी भगवती की लठों से पूजा कर उनसे मनौती मांगी। जैसे ही ग्रामीणों ने अपने संदेश वाहक द्वारा मेला प्रशासन को अपने आगमन की सूचना दी, वैसे ही पूरा मेला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया। चारों तरफ सीटियां बजने लगी। आनन फानन में भक्तों की भारी भीड़ से गुलजार रहने वाले बाजार खाली करा दिए गए। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे पर्दे डाल दिए और तभी गुजरा ग्राम पंचायत सांखी के जादौन समुदाय के लोगों का जन सैलाब। घोड़ों पर सवार, हाथों में लाठी डंडे लिए सांखी ग्राम के ग्रामीण देवी मां के गगनभेदी जयकारे लगा रहे थे। जादौन समुदाय द्वारा नवमी के दिन की जाने वाली मां देवी की लठों से आराधना शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखी जा सकती है। बीते 2 वर्षों से कोरोना की वजह से स्थगित हुए मेले के कारण इस बार लठ पूजा के लिए ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बनता था। इस संबंध में ग्राम सांची के बुजुर्गों ने मेले के इतिहास और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जानकारी दी। ये कारण बहुत सदियों से चला आ रहा है। एक धांधु भगत थे, वो माँ को लेके आए और लेते लेते यहाँ की माँ की ब्राह्म और वो माँ की शर्त माँ ने कही क्या, पीछे फिर के देख ले वो भगत, मैं रुकूंगी, मैं माँ रुक गई, यही पूजा है वो शुरू है वो। फिर इसमें काफी संघर्ष हुआ, संघर्ष बाछलघार जादौनघार तो छतरी को नीलोबन को, ये परपाटी हमारी वही परंपरा है। हमारे बड़े बूढ़े ने यहाँ लठ से पूजा की और लठ से ही पूजा चलती रहेगी, माँ की कृपा रहेगी। तो इसको लेकर यही कहेंगे, पहले से ही शुरू से परंपरा चली आ रही है। हमारा गांव पहले ग्राम पंचायत सांखी, यहाँ पर का नाम है सेमरी के मेले में नवमी के दिन पूरे गांव के सहित लाठी डंडों सभी सहित चढ़ाई करता है। यहाँ पर देवी मां की लठों के द्वारा पूजा की जाती है।